तो यहाँ देखिए ये देखिए छोटी सी बिल्ली भी लेके आ रही है। तो हमारे पहाड़ों में ना छोटे छोटे बच्चे भी काफी काम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप कि अपने अपने घरों में सभी मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 2024 1 जनवरी की खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। बाकी अभी सुबह के करीबन 8:30 बज रहे हैं और जैसे कि आज नया साल है तो सबसे पहले मेरी पूरी YouTube फैमिली को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ढेरों सारी खुशियां आएँ आप सभी के घर में। बाकी आज देखिए सामने घाटी में ना सुहावनी सी धूप खिली हुई है और मौसम देखिए क्लियर हो रखा है। बाकी घर के ना सभी मेम्बर्स अपने अपने कामों के लिए निकल गए हैं। भाभी गई है जंगल बांझ लेने के लिए, भैया गए हैं किसी के नामकरण संस्कार में, और मम्मी जी अंदर नहा रही है और पापा जी गए हैं कैंटीन। आजकल जैसे मैं मायके में हूँ तो यहाँ पे उतना काम नहीं करना पड़ता, और जैसे कि आज नया साल है तो मैं सोच रही हूँ कुछ हम पहाड़ी स्पेशल पकवान बनाएं। तो आज मैंने सोचा है हम बनाएंगे काली दाल के पकौड़े और साथ में प्याज राई और पालक के पत्तों के मिक्स पकौड़े। तो चलिए जी करते हैं पहाड़ी पकवान बनाना शुरू। यहाँ पर देखिए इस भगोने में कल रात को मम्मी ने ना ये काली दाल भिगोने डाल दी थी और दाल भीग के फूली फूली हो गई है। तो चलिए जी इस भीगी हुई दाल को ना हम पीस लेंगे यहाँ सिलवटे में। ये देखिए हर बारों में ना जितनी भी पहाड़ी स्पेशल पकवान या डिशें बनती है सभी को बनाने में सिलवटे का प्रयोग जरूर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको ना मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकती हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं ना इस दाल को सिलवटे में पीसूंगी, क्योंकि सिलवटे में पिसे हुए जो पेस्ट होते हैं ना, जैसे दालें चटनी और कई चीज़ें होती हैं हमारे पहाड़ों में जिसे हम सिलवटे में पीसते हैं, तो उसका स्वाद ना अलग ही आता है और गजब का टेस्ट देता है। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम इस सारी भिगोई काली दाल को यहाँ सिलवट्टे में बारीक करके पीस लेंगे। तो दोस्तों आज के उड़द दाल के पकोड़े ना हम बिल्कुल पहाड़ी सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये पकोड़े ना बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में, तो थोड़ा थोड़ा करके हम बारीकी से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, तो चलिए जी सिलवट्टे में मैंने उड़द की दाल को बारीक करके पीस लिया है पकौड़ियाँ बनाने के लिए। बाकी उड़द की दाल की पकौड़ी में हम ना हरा धनिया मिर्च और लहसुन के हरे पत्तों का नमक पीस के डालेंगे। काफ़ी टेस्टी लगता है हरा धनिया लहसुन और हरी मिर्च का नमक। तो यहाँ मसाला दानी से थोड़ा सा ये मोटा नमक भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए हम लोग ना ज़्यादा मोटे नमक का ही इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। तो चलिए जी अब इन्हें भी बारीक करके पीस लेंगे। यहाँ सिलबट्टे पर मैंने हरा लहसुन मिर्च और धनिया के पत्तों का नमक पीस के तैयार कर दिया है। ये नमक ना दो पकवानों के लिए है, तो आधा हम यहाँ कर देंगे पकौड़ियों के साथ मिक्स और आधा नमक ना हम राई प्याज और पालक की जो मिक्स पकौड़ियाँ बनाएंगे इसके लिए रहने देंगे। तो इसको यहीं पे इकट्ठा कर लेंगे। बाकी अब यहाँ मसाला दानी से डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। अब इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से ही, हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है और जल्दी भी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ तो चलिए जी मसालों के भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आज का जितना भी पहाड़ी स्पेशल पकवान पकने वाला है ना वो हम आंगन में सामने देखिए अगेठी पर बनाएंगे। हमारे पहाड़ में ज़्यादातर सभी प्रकार के खाने ना चूल्हे पर बनाए जाते हैं। तो चलिए जी आज का हम अगेठी पर बनाएंगे आंगन में। बाकी देखिए मम्मी भी सॉस बना ली है और सबसे पहले मम्मी को हैप्पी न्यू ईयर। तो वहाँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। मम्मी के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में नहीं। तो चलिए जी अब करते हैं पकवान बनाना शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ अगेठी में आग जला लें। हमेशा की तरह आज भी हम ना छील से ही आग जलाएंगे चूल्हे में। सामने चूल्हे पे मस्त सी आग जल गई है। बाकी आज की पकौड़ियाँ बनाएंगे हम लोहे की कढ़ाई में, और माँ ने सरसों का तेल डाल दिया है पकौड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई में।
और देखिए थोड़े थोड़े बबल भी आने लग गए हैं, तेल गर्म होने लग गया है। बाकी पकौड़ियाँ बनाने में मम्मी करेंगी मेरी मदद। तो जब तक माँ ना दाल की पकौड़ियाँ बनाती है तब तक मैं चलती हूँ अपने किचन गार्डन की तरफ राई और पालक के पत्ते लेने के लिए। तो आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में क्यारियों में ना काफ़ी सारी राई के हरे हरे पत्ते हो रखे हैं। तो यहीं से हम एक मुठ के करीबन राई और एक मुठ के करीबन पालक के पत्ते ले लेंगे पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो थोड़ी मिक्स पकौड़ियाँ खाने का भी मन कर रहा था, उसमें हम एक प्याज भी काटेंगे। तो अब फटाफट से ना यहाँ से पत्ते तोड़ लेते हैं। राई और कुछ मैंने पालक के पत्ते निकाल लिए हैं। अब इन सारे पत्तों को ना अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि क्यारियों में कल ही पापा जी ने पानी डाला था, काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई है इन पत्तों पे। तो इनको अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ी देर में इन्हें बारीक काट लेंगे। कुछ पकौड़ियाँ माँ ने पहली बारी में तल के यहाँ कंडी में रख दी है। ये देखिए, ये रिंगाल से बना हुआ पहाड़ी बर्तन है और हमारे पहाड़ों में इसी तरह के बर्तनों में रखी जाती है रोटियां, पकवान। ये देखिए, तो दूसरी बार में भी जितनी पकौड़ियाँ डाली थी सारी अच्छे से पक गई हैं। तेल ज़्यादा ही गर्म हो रखा है, इसलिए देखिए पकौड़ियों में ना जल्दी से सुनहरा रंग भी आ गया है। दोस्तों, लोग आज के दिन बाहर शहरों में बाहर जाते हैं पार्टियां करने अपने दोस्तों के साथ, और हमारे पहाड़ों में ना नए साल की शुरुआत होती है अपने घर से ही पहाड़ी स्पेशल पकवानों के साथ। ये देखिए, दाल की पकौड़ियां तो बनके तैयार होने वाली हैं, थोड़ी सी रह गई हैं। अब मैं फटाफट से राई पालक के पत्ते भी काट लेती हूँ। अभी तक हमने सिलबट्टे में नमक पीसा, अब ना यही सिलबट्टा चॉपिंग बोर्ड का काम भी करेगा, पहाड़ी चॉपिंग बोर्ड भी बोल सकते हैं सिलबट्टे को। तो अब थोड़ा मोटा मोटा इन सारे पत्तों को काट लेंगे यहाँ पे। हरे पत्ते मैंने सारे काट लिए हैं, वो भी मोटे मोटे, और यहाँ पे मैंने तीन प्याज भी काट रखी हैं थोड़ी मोटी मोटी। तो पकौड़े बनाने के लिए मोटी प्याज काटते हैं हम लोग। तो चलिए जी, अब इन सारे पत्तों को ना इस बड़े से भगोने में डाल देंगे। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा बहुत पेस्ट बचा रखा था हरे नमक धनिया और लहसुन के पत्तों का, इसे भी अब यहाँ पतीले में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पकौड़े बनाने के लिए मैं बेसन का ही इस्तेमाल करने जा रही हूँ। वैसे तो आटे की भी पकौड़ियाँ बनती है, लेकिन आज हम बेसन की बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, एक साथ थोड़ा थोड़ा डालेंगे ऐसे, और हाथों से ही बेसन को ना पत्तों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, राई और बेसन, मिर्च मसाले सब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। सामने कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है दोबारा। बाकी दाल की पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, साइड में रख दिए हैं कंडी में। अब मैं बना लूँगी मिक्स पकौड़ियाँ। पहली बार में कढ़ाई में जितनी पकौड़ियाँ डाली थी सारी ना अच्छे से भुन गई हैं, ये देखिए। तो यहाँ देखिए, पतीले में अब थोड़ा सा ही बैटर रह गया है पकौड़ियों का, और ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। माँ ने आज फुल मदद कर दी मेरी पकौड़ियाँ बनाने में। तो हमने यहाँ थाली में राई और प्याज मिक्स पकौड़ियाँ अलग से रखी है, बाकी दाल की पकौड़ियाँ इस कंडी में। अब जा रही हूँ मैं नई रौली रोड में अपने गाँव के। पापा जी मार्केट गए थे ना, कैंटीन का सामान लेके आ रहे हैं और घर का भी होगा, तो उसे लेके अब घर आते हैं। ये चाचा जी की लड़की है छोटी सी बुली, ये भी गई थी मार्केट, तो ये एक बारी में सामान लेके घर भी रखे आई है हमारा, और अभी मेरे साथ दोबारा आ रही है। आधे रास्ते में ही पापा जी लोग हमें मिल गए हैं, तो पापा जी सीधा ऊपर पर चले गए हैं। बाकी ये देखिए, एक बैग मैंने ले लिया है
और कुछ सामान हाथ पे है। बाकी ये देखिए छोटी सी बिल्ली भी लेके आ रही है। तो हमारे पहाड़ों में ना छोटे छोटे बच्चे भी काफी काम कर लेते हैं। ये देखिए काफी मेहनती रहते हैं पहाड़ों के बच्चे। बाकी नीचे देखिए आजकल नए रोड पे ना काम लगा हुआ है और आजकल गट्टा बिछाने के लिए ना मोटे मोटे पत्थरों को तोड़ने पर लगे हैं यहाँ पे नेपाली भाई जी लोग। और यहीं पे देखिए काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं गौशाला बनाने के लिए। हमारे पहाड़ में ना पत्थरों की चिनाई की जाती है घर गौशाला किसी भी तरह का मकान बनाने के लिए। दिन का टाइम हो गया घर जाने वाले रास्ते में यहाँ पे देखिए चाचा जी और की एक नई गौशाला बन रही है और इस गौशाला की चिनाई भी देखिए पत्थरों से हो रही है। चलिए ये घर में पहुँच गई हूँ मैं सामान लेके और रोड खराब हो गई थी पानी की इस यहाँ से ना पूरे सर में मटी डाल रखी है उसको नहलाने के लिए। अब जरा पानी लगा देते हैं और इस बार ना पापा जी ऑटोमेटिक वाली रोड लेके आए हैं। अभी शाम के करीबन 4:30 बज गए हैं। बाकी देखिए हमारे वाले मोहल्ले से ना अब थोड़ा थोड़ा करके धूप भी जाने वाली है तो देर में घाटी में अब सनसेट भी हो जाएगा। 4 बजे के बाद चली ही जाती है यहाँ से धूप। बाकी यहाँ पे आज सुबह छत पे ही इस बड़े से त्रिपाल में ना मम्मी ने गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे थे तो ये गेहूँ ना मार्केट से ला रखे हैं। इन गेहूँ में इतना ज़्यादा कचड़ा और ये जो छिला होता है ना गेहूँ का वो है तो मम्मी इसकी छटाई का काम कर रही है। काफ़ी देर होगी मम्मी को इस काम करते करते क्योंकि मम्मी कह रही है इसमें काफ़ी पत्थर और मिट्टी भी है। ये मार्केट के गेहूँ ऐसे रहते हैं ना बिल्कुल बेकार से। आज आटा ख़त्म हो गया था इस वजह से छत पर डाल रखा था माँ ने गेहूँ सुखाने के लिए। बाकी देखिए इन्हीं की कमी रह गई थी यहाँ आने के लिए है। यहाँ ये टोपी कैसे कर रखी है? इसको सही करो। हवा ने किया? हाँ। क्या किया हवा ने? ये टोपी इधर देखो क्या किया हवा ने। बाकी आजकल लोगों ने पहाड़ों में जगह जगह आग लगा रखी है इस वजह से ना घाटी में देखिए धुआं ही धुआं फैल रखा है और पहाड़ों के नज़ारे भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाम के करीबन अभी 6 बज गए हैं। बाकी अभी मैं हरा घास लेके अपनी छानी में आई थी। ये हरा घास मैंने नीचे अपने घर के बगल पे ही काटा। बाकी मैं दूध की बाल्टी में रखने आई थी। बाकी दूध निकालने का काम भाभी करती है। भाभी अभी ना जंगल गई हुई है अभी आई नहीं वहाँ से। तो चलिए जी अब हम चले जाते हैं घर। साथ में अयाश महाराज जी भी आए थे। ये कंडाली किसको लगा रहे हो है? नहीं तुमका मुझे कंडाली पकड़ा की हाथ पे। तो चलिए दोस्तों मैं ज्योति नेगी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। साथ में जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जी बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।